हरे कृष्णा। परम भगवान अपने स्वधाम से इस मर्त्य लोक में अवतरित क्यों होते हैं? भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युगे। मुख्यतः तीन कारण बताते हैं। पहला, परित्राणाय साधूनां, साधुओं को परित्राण अर्थात रक्षा करने के लिए। लेकिन साधुओं को परित्राण या रक्षा करने के लिए क्या स्वयं भगवान को इस धरती पे अवतरित होने की आवश्यकता है? भगवान का नाम जो भगवान से अभिन्न है और भगवान की भक्ति जो भगवान से अभिन्न है, पर्याप्त है किसी भी संत को, साधु को किसी भी प्रकार के कष्ट से रक्षा करने के लिए। इसके लिए भगवान को अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को नाश करने के लिए। क्या स्वयं भगवान को इस धरती पे अवतरित होना पड़ता है दुष्टों को नाश करने के लिए? उनका शक्ति ही पर्याप्त है इस संसार के सारे दुष्टों को नाश करने के लिए। इसके प्रमाण है, हम देख सकते हैं इस संसार में कितने सारे आपदाएं आते हैं जिसमें सब विध्वंस हो जाता है। तीसरा है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। क्या धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं परम भगवान को इस धरती पर अवतरित होने की आवश्यकता है? हम देखते हैं सृष्टि के प्रारंभ से भगवान के पार्षदगण इस धरती पर आते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे इस कलयुग में श्रीपाद आदि शंकराचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद माध्वाचार्य, श्रीपाद निम्बार्काचार्य, श्री विष्णु स्वामी तथा स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, सृष्टि के प्रारंभ से ही ये सब संत भगवान के निज पार्षद आते हैं और संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। इसके लिए स्वयं भगवान को इस संसार में अवतरित होके ये सब कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर प्रश्न होता है कि भगवान इस धरती पे अवतरित क्यों होते हैं? इसका उत्तर शास्त्रों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतों में बताया गया है, मानुषम लोकम आसाद्य तज्जातिम अनुरंधत। कहते हैं मनुष्य लोक में, मनुष्य योनि में भगवान जन्म होके मनुष्य जाति को अपनाने के लिए इस धरती पे अवतरित होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का इस मर्त्य लोक में मनुष्य जाति में, मनुष्य लोक में अवतरित होना, जन्म ग्रहण करना, इन मनुष्य जाति को लाभान्वित करने के लिए। ये वास्तव में मनुष्य जाति सौभाग्यवान है देवताओं से भी, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं इस मर्त्य लोक में, मर्त्य भूमि में, मनुष्य जाति में अवतरित होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण मनुष्य जाति को आत्मसात करते हैं। जैसे एक शोकेस है, एक डब्बा है जिसमें माधुर्य और ऐश्वर्य का बहुत सुंदर मिश्रण है। जैसे कोई मनुष्य जन्म लेता है, बचपन में कितने शरारतें करते हैं इत्यादि बहुत सारे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से स्वयं भगवान भी मथुरा के कारागार में जन्म लेते हैं, वृंदावन में तरह तरह के लीलाएं करते हैं। अवश्य हमें ये जानना चाहिए कि भगवान का जन्म, भगवान का कर्म किसी साधारण मनुष्य के तरह नहीं है, वो दिव्य है। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। तथापि जब वो मनुष्य जाति में जन्म ग्रहण करके इस प्रकार से लीला करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य उनसे अपना संबंध जोड़ सके। नहीं तो अगर भगवान केवल GOD अर्थात जी फॉर जेनरेटर सृष्टि करता, ओ फॉर ऑपरेटर पालन करता, डी फॉर डिस्ट्रॉय संहार करता, केवल इस रूप में ही रहेंगे तो कौन सा मनुष्य, हम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति जो इतने महान व्यक्ति के साथ अपना संबंध जोड़ सके? कहाँ वो इतने महान हैं और हम कितने नगण्य हैं, तुच्छ हैं।
जैसे ही संसार में कोई अपने बच्चे से, कोई अपने पत्नी पति से, कोई अपने माता पिता से, कोई अपने सगे संबंधी रिश्ते नाते हैं जो भी है उनसे प्रेम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वही संबंध, वही रिश्ते भगवान से भी हम कर सकते हैं। इसलिए भगवान इस धरती पर अवतरित होते, कोई भी उनको बच्चा मान के अपना संबंध जोड़ सकता है, कोई भी उनको प्रियतम मान के अपना संबंध जोड़ सकता है, कोई भी उनको स्वामी मान के अपना संबंध जोड़ सकता है, कोई भी उनको सखा मान के अपना संबंध जोड़ सकता है। तो किसी भी रस में हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान मनुष्य जाति में आते हैं और अवतरित होके हमारे साथ ऐसे लीलाएँ क्रीड़ाएँ करते हैं ताकि हम उनसे संबंध जोड़ सकें। तो आइए ऐसे अद्भुत अलौकिक श्याम वर्ण श्याम सुंदर से हम अपनी नाता जोड़ें। कैसे? उनका नाम रूप गुण लीला इत्यादि को संकीर्तन करके, श्रवण करके, और इस तरह से उनके साथ प्रेम का संबंध जोड़ सकते हैं हम। और इस प्रकार से हम आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, इसको हम बहुत ही भव्यता से, आनंद से मना सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।